चलेगा मेरे दोस्त। आज शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी का 2002 का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जल्द ही कम समय में करेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे मैं सारा वीडियो लगातार कंटिन्यू प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ और इसी तरह जल्दी ही जो है आपका प्लेटफॉर्म का शाह संग्रह आएगा और खान सर का शाह संग्रह और इसके झा का शाह संग्रह भी आएगा बिहार एसएससी बीपीएससी के लिए। तो तैयार हो जाइए और कंटिन्यू चलिए। फास्ट हो गया 2002 का, ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर आने वाला है 2003 का। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा पूछ दे तो 30 वर्ष याद रखिएगा, 5 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर काज करती है? तो याद रखिए वो है विधान पालिका जो है काज करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, राज्य से संबंधित है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रश्न उत्तर काल को कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, ठीक है, संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245 करता है, मतलब आर्टिकल 245 का वैल्यू है। आगे चलेंगे, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल, मतलब कहने का मतलब महाधिवक्ता को कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर है, इसलिए वन लाइनर की तरह पढ़ते हुए चलेंगे। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, याद रखिएगा। और थैंक यू जिन्होंने कमेंट बॉक्स में किया है कि लगातार कर दूँ, ऐसे प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूँ। थैंक यू वेरी मच, मैं हमेशा जरूर करूंगा। और जो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें उनके लिए धन्यवाद, और जो करेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सवाल है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत से, पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो त्रिस्तरीय में याद रखिएगा सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगा, फिर बीच में पंचायती समिति आता है, और लास्ट में जो है जिला परिषद आता है। 1 2 3 त्रिस्तरीय होता है, याद रखिएगा। त्रिस्तरीय सभी जगह चलते हैं, बिहार में भी आपका चलता है, यूपी में भी चलता है, और कई क्षेत्रों में चलता है, लेकिन 4 स्तरीय अगर आपसे पूछे तो बंगाल का नाम करिएगा, अब वहाँ लगभग त्रिस्तरीय होने वाला है या हो चुका है, इसका अपडेट अभी क्लियर नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसे 4 चलता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, राजस्थान में आप जानते हैं त्रिस्तरीय चलता है, और सबसे पहले राजस्थान में ही शुरू हुआ था, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था की बात होगी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को याद रखिएगा, तो इसके तहत ही किया गया था क्योंकि राज्य के सरकार के अधीन आता है। आगे सवाल है IRDP का मुख्यालय, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? आई याद रखिए RDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण के लिए, मतलब गरीब के निवारण के लिए था, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा आर्थिक असमानता जो होता है उसके लिए बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, अगर पूरा 10 12 पंचवर्षीय योजना है जिसमें से आपको अगर 10 भी याद है तो आराम से हो जाता है, क्योंकि फिर तो 11 12 में तो अंत हो जाता है। तो याद रखिए ये है 1992 से लेके 2002 तक चला था, याद रखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसी के हिसाब से 5 वर्ष जोड़ दीजिएगा, अब बीच में थोड़ा सा अवकाश आता है, ये सब जो है थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो जरूर से जरूर कर लिया, नहीं तो इसे शॉर्ट वीडियो में डेट के हिसाब से मैं दे दूंगा। आगे सवाल है किस देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों पर की जाती है, राष्ट्रीय आय तो होना ही चाहिए और जनसंख्या के हिसाब से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहाँ से किया जाता है? तो आप जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रुपया को अंतिम बार अवमूलन कब किया गया था? तो याद रखिएगा जुलाई 1991 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जुलाई 1991 में किया गया था, याद रखिएगा, हमेशा याद रखेंगे। आगे सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, जनजाति से संबंधित है, आपका सवाल बनता है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुंडकों ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो याद रखिएगा 1895 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। कब किया था? 1895 ईस्वी में। जल्द ही मैं इसे जो है लैपटॉप पे मतलब एडिटिंग करके, मतलब कहने का इसी क्वेश्चन को हूबहू मैंने ऑनलाइन में थोड़ा सा स्टाइलिश करके ला रहा हूँ,
जो कि आपको आसानी होगा, है ना। तो आप चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो ऐसे ही बुक का हूबहू करूँ तो हूबहू रहेगा। भारत संघ का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, याद रखिएगा भारत संघ का संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? याद रखिए मोहम्मद राज रज्जा खान को, मोहम्मद रज्जा खान को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, कौन सा आयोग जो है 1857 के का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग, पील आयोग जो था, याद रखिएगा 1857 में विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के से जुड़ा हुआ था, याद रखिए पी आयोग, पिल आयोग बोलते हैं ऐसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष किसे या किसने किया था या कौन थे? तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी थे। तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था, अब 1886 में पूछ रहा है ना, तो इसी तरह पूछता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो उधम सिंह ने गोली मार दिए थे, याद रखिए जनरल डायर को, याद रखेंगे। आगे सवाल है, करो या मरो का मंत्र जो है किसने दिया? तो महात्मा गांधी दिए थे, कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोल रहे थे, है ना, भारत छोड़ो, करो या मरो, भारत छोड़ लो। आगे सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में, कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस के नाम आता है, मतलब लीडरशिप जो है मेन भूमिका में आजाद हिंद फौज का जो है सुभाष चंद्र को माना जाता है, ऐसे इसमें बहुत लोग शामिल थे, याद रखिएगा। मेन लीडर भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस मेन चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, आप जान लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को, याद रखिएगा, 23 मार्च को दिया गया था, कब? तो 1931 ईस्वी को। तो 23 मार्च 1931 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दुखद है, क्योंकि यहाँ पे मेरे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। आगे सवाल है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन की स्थापना अगर बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी? तो सर पी लॉरेंस। आपसे एक सवाल है कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1900 मैंने बता दिया, 1900 बताइए कि 42 में आया था, 46।
चलिए मेरे दोस्त आ गए, अब से लगातार चलेगा सार संग्रह 2004 का। 2003 तक हो गया था, अब वीकली दे चुका हूँ, अब 2004 का वीकली दूंगा जितना पढ़ाया जाएगा। तो स्पीड के साथ चलेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, दना दन डेली। हो सकता है दिन में अब 2 बार करें क्योंकि एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्पार्क का है, प्लेटफॉर्म का है, खान सर का है, बहुत सारा है, तो करवाना मेरा बनता है, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। देखिएगा, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक में है, ये हम जानते हैं। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ? कटक में है। वह कौन सा देश है जहां मृत सागरों को जहाज, सॉरी, मृत शरीरों को, एक मिनट, बढ़िया से करते हैं। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं, बिहार बीपीएससी का सार संग्रह 2004 का चल रहा है। क्या है? 2004 का चल रहा है, और ये वीकली दे दिया जाएगा जितना भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जितने भी आएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2004 में है, इसी को रिपीट करके क्वेश्चन जो है 1998 में पूछा है, 2002 में पूछा है, और 2003 में भी पूछा है पहला क्वेश्चन जो है। तो चलिए इसी पे फटाफट करते हैं, देरी ना करते हुए। और इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस है मेरे पास, खान सर का है और प्लेटफॉर्म का है, फिर आपका स्पार्क का तो चल ही रहा है, आप देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक में है, आप जानते हैं। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है, ये आप सीखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि अभी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 2003 में पूछा था। यहाँ पे देखिए, वह कौन सा देश है जो मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? तो मिस्र में रखा जाता है, आप जानते हैं, मिस्र में रखा जाता है, इजिप्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है कि रूस में कब क्रांति हुई थी? तो याद रखिये 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद जो है किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को माना जाता है, 1857, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में वाणिज्य बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा वो सर्दी है तो ध्यान रखिएगा, आवाज थोड़े से बीच में दिक्कत हो। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे और प्रथम थे, आप जानते हैं। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां को क्या नाम था? तो याद रखिएगा, खुर्रम। क्या नाम था शाहजहां का? खुर्रम। चलेगा, रक्षोना किसकी पत्नी थी? तो सिलकुश की पत्नी थी, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि अमृतसर नगर का नींव किसने रखी? तो गुरु अमरदास ने रखा, याद रखिए, मतलब रखे थे। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया था, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन के स्थापना संस्थापक कहिए या स्थापना कहिए, स्वामी विवेकानंद किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपा नगर विख्यात है, हमेशा ध्यान रखना है। आगे सवाल है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देशों से बाहर हो, देश से बाहर हो, तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालेगा या ग्रहण करेगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है, आप देख सकते हैं। आगे सवाल है, सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? डेनमार्क है, आप जानते हैं। यूनेस्को का संस्था जो है, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? तो गर्म हो जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी कब जो है किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। आराधना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आप देख सकते हैं। आन का मान क्या है? नाटक एक संग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, चलते। यहाँ पे देखिए कि साहित्य रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। आगे सवाल है कि अधिकारों जो होते हैं, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? संघ कहलाएगा। अगर अधिकारों के लिए अगर संगठन बनाया तो उसे संघ कहेंगे। एंथ्रेक्स क्या है? तो जीवाणु है, आप याद रखिए, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। सार्क
सार्क में कितने देश हैं? तो याद रखिए 8 है। इसका सार्क का कहाँ है मुख्यालय? तो काठमांडू में है, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उड़ीसा राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि वहीं लड़ाई भी हुआ था कलिंग का, अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था उस समय, तो वह धर्म परिवर्तन हो गया, मतलब तो वो अपने आप को बदल दिया कि नहीं, इतने संघार देख के उसे होश में आ गया कि नहीं ये गलत है। ठीक है, कौन? अशोक। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो जमशेदपुर में, आप जानते हैं। भारत का पहला, भारत के तरफ से, कैस्पियन सी मतलब सागर बताइएगा तो क्या है? झील है, आप जानते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में है, आप जानते हैं। कैस्पियन सी क्या है? झील है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल है, भारत नाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत नाट्यम तमिलनाडु का है। डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो मच्छर काटने से फैलता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था 2004 का। खरीफ का मौसम कब होता है? तो जून और सितंबर में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? तो 10 वर्षों में करवाई जाती है। आगे सवाल है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? तो 5 साल का होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में, आप जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया है? तो याद रखिएगा, आर्किमिडीज का नाम आता है, इनका बहुत जरूरी है। आगे सवाल है, गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? मतलब दबाव जो होता है, दाब, याद रखिएगा, मैनोमीटर से होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो सुक्रोज है, याद रखेंगे। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो डिस्टिलेशन से होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो रक्त के शक्कर का स्तर को बढ़ाने में करता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। आगे सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का प्रयोग करते हैं हम लोग, CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा का कंफ्यूजन ना रखें। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपको कोई कोई क्वेश्चन जो है, देखिए जैसे बता देता हूँ, 2003 में मिला होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2004 में। रिएक्शन का हुआ है, सोमनाथ मंदिर का हुआ है, रामकृष्ण मिशन का, अखबारी कागज का, ये सब पूछा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, उड़ीसा का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ रिपीट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रूस की क्रांति भी बड़ी बार पूछा है, आप देख चुके हैं। मंगल पांडे के बारे में पूछा हुआ है, तो ये सब रिपीट क्वेश्चन है जो कि हु बहु 2004 में इनपुट कर दिया है। ये भी भारत, स्वतंत्र भारत के, ये इनपुट कर दिया, समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है 2003 में था, 2004 में भी मिला है, मतलब सोचिए रिपीट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर को हम छोड़े क्यों, पढ़ना जरूरी है। तो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करेंगे, और आपका सपोर्ट बना रहा तो मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा। एग्जाम क्रैक कराने के लिए मैं वादा करता हूँ कि 99% क्वेश्चन मिलेंगे, और 100% पास करने का गारंटी देता हूँ, अगर मेरा बातों को फॉलो करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं बीपीएससी का 2005 का। 2004 का ज़्यादा पेपर नहीं था, 2 से 3 पेपर था, इसलिए करवा दिया। 2005 का करवाते हैं, और सारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, सार संग्रह, स्पार्क का, जो प्रथम लाइन में आपको दिया जाता है। तो चलिए फास्ट चलते हैं, और देरी ना करते हुए आगे चलेंगे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? मतलब तो कौन सा क्षेत्र था अफीम के लिए? तो बिहार सबसे ज्यादा था, इसलिए याद रखेगा। तो अंग्रेजी शासन के समय याद रखेगा, पूछ देगा अगर कि अफीम उत्पादन हेतु कौन सा राज्य था, तो बिहार, याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल जनजाति होता है, याद रखेगा, जो कि 1855 में हरा दिया था कमांडर को, अंग्रेजी कमांडर को, कौन? तो मेजर बारो, नाम ही है मेजर बारो, जो कि संथाल, जो अंग्रेजी कमांडर था उसको मेजर बारो नाम था, जो कि संथाल ने हरा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने
चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए अंग्रेज जो है क्या किया था, अंग्रेज जो है शामिल कर दिया था भारतीय सेना जो बनाया था उसमें चर्बी वाला कारतूस शामिल कर दिया था जिसका एनफील्ड राइफल नाम था, जो कि कब शामिल किया तो याद रखिए दिसंबर 1856 में, याद रखिए 56 में, तभी तो 1857 में क्रांति हो गया जो कि मंगल पांडे का मेन भूमिका रहता है ना। चलिएगा आगे सवाल है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि की अगर बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ये पूछा था 2005 में, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, कंपटीशन में कोई सीमा नहीं होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर बोला जाता है कि देख के जाया करें। 1899 से 1900 के ईस्वी में मुंडा क्रांति जो है के नेता कौन थे? तो मुंडा एक जनजाति है आप जानते हैं, क्योंकि 1899 और 1900 के लमसम में बिरसा मुंडा के मुख्य भूमिका माना जाता है, तो बिरसा मुंडा थे। तो मुंडा क्रांति के नेता कौन? तो बिरसा मुंडा, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, ठीक है 2005 का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? याद रखिए स्वामी सहजानंद। जैसे ही अखिल भारतीय किसान सभा की बात होगी ना, उसी समय प्रथम सत्र मतलब प्रथम बैठक की बात होगी, तो वो स्वामी सहजानंद जो है अध्यक्ष बने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में, याद रखिएगा किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा, यही ध्यान रखना है। सत्य प्रकाश, यहाँ पे देखिए सत्य प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्य प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति क्या थी? इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है ना, मत पूछिए। 1998 से हम इसको देख रहे हैं, अभी तक मैं लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं वारिंग हेस्टिंग ने लाया था, याद रखिएगा। तो वारिंग हेस्टिंग की अगर बात करें हम लोग तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था या इससे जुड़ा हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्डर बेबल दोनों ने मतलब दोनों से वार्ता हुई थी, वार्ता मतलब बातचीत, ठीक है। तो वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद ही थे जो कि क्रिप्स मिशन व याद रखिएगा क्रिप्स मिशन व लॉर्डर बेबल दोनों एक ही है, ठीक है। क्रिप्स मिशन या बेबल, याद रखिए दोनों से वार्ता किए थे कौन? तो अबुल कलाम आजाद जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो याद रखिएगा क्रमशः 71 और 147, 71 और 147 दिए गए, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 142 हमेशा डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था, कौन था? विंस्टन चर्चिल का नाम आता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक ए आई सी याद रखिएगा, ठीक है, के खजाची बोला जाता है, सॉरी खनजाची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक तरह से इनको कैद कर दिया गया था, AIC का जो व्यक्ति थे उद्योगपति थे बिजनेसमैन थे उन्हें क्या किया दिया गया, इन्हें कैद कर लिया गया था 1930 में, ठीक है, पकड़ लिया गया, कैद भी कर दिया गया था जेल में। तो याद रखिए उनका नाम है यहाँ पे तो जमुना लाल दिया हुआ है, जमुना लाल भी लिखा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, जमुना लाल बजाज है, जमुना लाल भी लिखा रहता है, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। आगे सवाल की अगर बात करें, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, 1947 की बात हो रही है। तो देखिए इसमें दो तरह के हुआ था, 1947 के बाद की बात करते हैं तो जेबी कृपलानी का भी नाम आता है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से ऑप्शन आएगा, ठीक है, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, नहीं तो जेबी कृपलानी होंगे। तो जेबी कृपलानी का वैसा भूमिका भी 47 के बाद दिया जाता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको छाड़ दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। उस समय 1942
2005 के क्वेश्चन पेपर है, उस हिसाब से आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, आगे सवाल है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आजाद निभाए थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है, बॉम्बे बॉम्बे बम्बई बोला जाता है, मैं अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना कब हुई, तो 1920 में, इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं ना, AITUC, ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1920 में, कहाँ, मुंबई में, मुंबई उस समय बोला जाता था। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष का नाम आता है, शिशिर है, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या पूछा है भाई, कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित मतलब साइन किया गया था, होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो याद रखिएगा, वो याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू नाम है इनका। तो गांधी इरविन समझौता का जो कहते हैं ना, बैठक हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें मुख्य भूमिका अगर बात करें ना, तो हम तेज बहादुर सप्रू को करेंगे, याद रखिएगा, हस्ताक्षरित हुआ था। आगे सवाल है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अरविंद घोष किए थे। तो निष्क्रिय निष्क्रिय विरोध अगर बोले, सिद्धांत कौन दिया, तो अरविंद घोष का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचार करता है, तो लीडर, लीडर एक अखबार था जिसमें उदारवादी जो व्यक्ति थे उनका प्रचार प्रसार करता है, याद रखिएगा, मतलब उनके विचार को। और क्या, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन हम लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखिए, जब चंद्रमा के बीच में होता है, जब चंद्रमा के बीच में होता है। आगे सवाल है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी उठती है, तो चंद्रमा से उठती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो याद रखिए, 1921 को हम लोग महाविभाजन का वर्ष का, याद रखिए, 1921 को, वही क्वेश्चन यहाँ पे, तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19, प्रेस से संबंधित, मीडिया से संबंधित अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 को याद रखिएगा, ठीक है, समाचार पत्र से मतलब। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, आप जानते हैं महाभियोग 61 के तहत होता है ना, महाभियोग कब लगता है, कौन सा आर्टिकल में, तो 61 में चर्चा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी, तो याद रखिएगा, 2026 तक ये यथावत रहेगी, याद रखिएगा, 2026 तक चलेगा, 1971 के जनगणना के आधार पर जो लोकसभा में राज्यों के सीट का आवंटन है, उसके बाद चेंज हो सकता है, जैसा है वैसा भी रह सकता है। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है, भारत का प्रधानमंत्री जो है किसका मुखिया है, तो केंद्र सरकार का मुखिया है, मतलब लीडर है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, ये आप जानते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति ही करेंगे राष्ट्रपति, याद रखिएगा। सलाह पे बल्कि होता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि सलाह देगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, आप जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर का हो या कहीं का हो। आगे सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 में की गई थी, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई है, उसका अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत राय मेहता थे, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की बात करेंगे, 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 1992 की बात करते हैं, और बलवंत राय मेहता के सिद्धांत को दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती को लागू किया गया, आप जानते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। अभी वर्तमान में आप करेंट में पढ़े होंगे कि पंचायत से संबंधित, ठीक है, अभी न्यूज में भी चलता है। आगे सवाल है कि किस संविधान संशोधन
अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग को लघु संविधान कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सॉरी, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, ये हमेशा ध्यान रखना है। आर्थिक नियोजन का विषय विषय इसमें है क्या, समवर्ती सूची में है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल बनता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महाल नोविश, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल कौन है, तो पीसी महानिवेश का मॉडल पर आधारित, याद रखिएगा। डेट बता सकते हैं, कमेंट में कमेंट करिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे सवाल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे शॉर्ट फॉर्म में नवार्ड कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में, मतलब किस वर्ष किया गया था, तो छठी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें इसे लाया गया था, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कर्नाटक है, आप जानते हैं। आगे सवाल बनता है कि किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल आपका बनता है कि लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो कोई ऊष्मा को हानि नहीं होती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, पित्तल में कौन सी धातुएं हैं, तो याद रखिए तांबा और जस्ता मिला होता है, ये भी ध्यान रखना है, वन लाइनर है, ये ध्यान रखते हुए चलेंगे। चूहे चूहे मारने का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, बता सकते हैं, चूहे मारने का जो जहर है वो बताइएगा, उसका रासायनिक पदार्थ बताइएगा, नाम क्या है, तो याद रखिएगा पोटाशियम साइनाइट होता है, पोटाशियम साइनाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है, आगे सवाल देखिएगा, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, तैरने के थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन को हटाइए, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है, बता सकते हैं, तो क्लोरीन के कारण जल जाती है, ये तालाब की जगह पे समुद्र की बात अगर करते हैं तो ज्यादा सूट करता है। ठीक है, आगे चलें, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आप लोग इस वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर बाद में देखना होगा तो फास्ट करके जरूर देख लेंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे जो है नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके हम लोग पैदा करते हैं श्वेत प्रकाश को, ठीक है, याद रखेंगे। सोने को जो है सोने को किसमें घोला जाता है, मतलब तो सोना जो होता है उसे किसमें घोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोलते हैं, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, तो पानी बन जाएगा, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा होता है, आयरन होता है। एस्पिरिन एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, तो एशिडो के रासायनिक अभिक्रिया से मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आप देख सकते हैं कि अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो कारखानों से होगा, जब भी अम्ल वर्षा की बात होगी तो कारखानों से होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो याद रखिए 1858 में हुआ था, मतलब 26 अप्रैल 1858 में हुआ था, 1858 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल को, याद रखेंगे।
आगे सवाल आपका देख सकते हैं कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणीन्द्र नाथ घोष, फनी याद रखिएगा, नंद्र नाथ घोष याद रखिएगा। और सर्दी के कारण थोड़ी आवाज और लड़खड़ा रहे हैं इसलिए सॉरी। आगे सवाल है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो याद रखिए गया में हुआ था, याद रखें 1922 हमेशा याद रखें गया में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, आप जानते हैं। अगर महाबुद्ध महा जो भगवान है महात्मा बुद्ध जो है का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण, मृत्यु याद रखिएगा ठीक है। आगे सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र मतलब परिवर्तन मतलब उपदेश कहाँ दिए थे, किस स्थान पर? तो साबरमती ठीक है, कहाँ दिए थे? तो साबरमती थोड़ा चलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिए गृहब्रज मतलब राजगृह या राजगीर बोलते हैं ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया था नंद वंश के बाद, याद रखिएगा ठीक है। आगे सवाल है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था, याद रखिए मौर्य काल में, ये नहीं पूछ रहा है, मौर्य काल की बात हो रही है तो तक्षशिला, उसके बाद हमारा नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। आगे सवाल है कि मेगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जस्ट आप प्रीवियस ईयर में या मुख टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आप पढ़े होंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कश्मीर में किया गया था कनिष्क के द्वारा बौद्ध सभा, बौद्ध सभा मतलब बौद्ध संगीति। और कनिष्क कौन सा संगीति करवाया था? चौथा बौद्ध संगीति करवाया था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तृतीय हमारा अशोक करवाया था जो कि मतलब पाटलिपुत्र में करवाया था, है ना, याद रखेंगे ये सब इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए वो है विशाखा दत्त। पुस्तक के बारे में वन लाइनर मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हस्तचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए पानभट्ट का नाम आता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब, मुहतसिब का मतलब है लोक आचरण, याद रखिएगा अधिकारी था। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या है, उसका विचार का मतलब उसके बारे में बताइए कि क्या है। तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करने की बात करता है वैश्वीकरण, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट भी आएंगे 2005 का ही आएंगे और इसका भी 3 जो है वीडियो बनेगा क्योंकि 2005 में 3 ही बात पेपर हुआ था जो क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करेंगे और जल्द ही आपका सारा प्रैक्टिस शेट आने वाला है, थोड़े से बीच में तबियत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बनाता है, इसके लिए क्षमा। चलिए मेरे दोस्त आज सार संग्रह का बिहार एसएससी का आप चलने वाला है, 2005 का चल रहा है ठीक है। 2005 में बिहार एसएससी पूछा था और उसका पेपर है प्रीवियस ईयर, तो चलिए फास्ट करते हैं। बीपीएससी का लमसम हो चुका है और बिहार एसएससी का हो रहा है, तो चलिएगा देख सकते हैं कि देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 चला था, आप देख रहे हैं है ना। यहाँ पे देखिए कि में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया है, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना को बताइएगा किस पे महत्व दिया गया है। सबसे पहले तो जानते हैं आप कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण क्या हुआ था, उत्पादन में असंतुलन हो गया था, उसे दूर करने के लिए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो है हुआ था महत्व दिया गया था ठीक है। मतलब कृषि पर ज्यादा महत्व दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार जो है बनाकर किया गया है, कौन से आधार बनाया गया है, क्या आधार है, किसे आधार बनाया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था, याद रखें मुद्रास्फीति में।
अब देखिए यहाँ पे बिहार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी, तो मतलब किसके शासन काल में थी, तो लिच्छवी के शासन काल में थी, मतलब किसके शासन काल में, तो लिच्छवी के शासन काल में, कौन था आम्रपाली, ठीक है, बिहार के वैशाली के नर वधु थी, याद रखिएगा, नगर वधु ऐसे कहा जाता है, याद रखिएगा, नर वधु नहीं नगर वधु ही कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है या कितनी है, तो याद रखिए 17% है, ये 2005 के क्वेश्चन के हिसाब से है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। आर समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे, तो आर समाज जो है या समाजी जो होती है कि जड़ तक पहुंचे, तो हरिजन तक का ये बना था, आर समाज जो है कि आपका हरिजन लोग हैं उनके जड़ तक भी आपको जोड़ना है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जाति के हित के लिए किस मतलब के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो सत्य शोधक समाज था, याद रखिए, ब्राह्मणों के अधिपत्य हो गया था, ठीक है, और उनके अधिपत्य के लिए याद रखिएगा एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नाम था सत्य शोधक समाज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रथम जो है आंदोलन बताइएगा क्यों निलंबित किया, बता सकते हैं, सॉरी, गांधी जी ने अपना प्रथम जो आंदोलन था मतलब कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्यों निलंबित किया, मतलब रोके क्यों, हटाले क्यों, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, मतलब चौरी चौरा कांड हो चुका था इस समय 1922 में, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया, रोक दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, तो याद क्या, ए ओ होम का भूमिका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे मैंने शॉर्ट वीडियो में मॉक टेस्ट दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, याद रखिए शॉर्ट वीडियो जो मैं देता हूँ उस पे मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल आपका है कि केन्या की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा नोरोबी, नोरोबी भी है, याद रखिएगा, 2005 का, याद रखिएगा। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक दीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है, तो इंडोनेशिया जाना जाता है, हमेशा ध्यान रखने की बात है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, चलिए इस पे भी मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोध गया में, आप जानते हैं, और बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, मतलब कहने का मतलब अंतिम तो तीर्थंकर थे कौन, महावीर जी, है ना, महावीर जी, लेकिन उनसे पहले कौन थे, तो पारसनाथ थे जो कि 23वें तीर्थंकर थे, बस यही घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, बस ध्यान रखिए पूर्व पूछ दिया है, पहले अंतिम कैसे, ठीक है, याद रखेंगे। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो कलहन की रजतरंगनी में ये पुस्तक में कहा गया है, याद रखिएगा, कलहन का एक रजतरंगनी पुस्तक है जो कि श्रीनगर शहर को बनाया है, मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी देती है, इसे भी मिला था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा किया गया, भद्रबाहु द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो है किस के पास था, तो राजा के पास था, ये भी ध्यान रखने की बात है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो याद रखिए रज नामा कहते हैं, याद रखिए रज रजम नामा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि की शुरुआत सभ्यता कब हुई, तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ये भी ध्यान रखने की बात है। लेप्चा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है, तो सिक्किम में निवास करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व में सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। आगे चलेंगे, आगे सवाल आप देख सकते हैं किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास जो है
में बुद्ध से पूर्ण आस्था व्यक्त किया तो वो याद किया जीवन चक्र कहते हैं, वर्ण श्रम धर्म कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि किस समकालीन, कौन से समकालीन में ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया तो जीवन चक्र में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था, ये भी ध्यान रखने की चीज है। आगे सवाल है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखने की चीज है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो शेखपुरा जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, शिक्षा जो मूलतः मानते हैं या मुक्ता कहिए राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया, राज्य का था समवर्ती सूची में जोड़ दिया, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का हो गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो जैसे ही बात होगी ना इस भारतीय संविधान में संशोधन की बात होगी कि संशोधन कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखिए आर्टिकल 368 में है, याद रखेंगे 368 में। आगे सवाल है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुखता किससे प्राप्त करता है, तो सरकारी अनुदानों से ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा पंचायती राज संस्थान। आगे सवाल है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन है, आप जानते हैं। चलिएगा, आगे सवाल है, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया, तो देखिए अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और अस्तित्व में कब आ गया, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए नवंबर 26 तो दोनों है, 26 जनवरी या 26 नवंबर, तो 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा अंगीकृत हुआ, याद रखिएगा लागू करने का प्रस्ताव आया था, और पूर्णता जो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, अस्तित्व में आ गया। आगे सवाल बनता है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, कौन किया, तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं उन्होंने किया था, याद रखेगा। आगे सवाल है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लगा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना सा समय लगा था, कौन सा मतलब कितने समय लगे थे, टाइम लगे थे, तो 2 वर्ष तो याद रखेगा, 11 माह याद रखेंगे, 18 दिन लगा था, तो संविधान बनने में हमको 2 वर्ष, 2 ईयर्स, 11 मंथ मतलब 11 महीना और 18 दिन लगे थे, याद रखिएगा। चलें आगे सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 352 मतलब 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, तो जीवन का अधिकार नहीं कर सकते, जीवने का अधिकार अगर निलंबित होने लगेगा तो मरिए जाएंगे, वो नहीं कर सकते, याद रखिए, और सब कर सकते हैं अगर आपातकाल में। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है, तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, तो देखिए अभी पढ़े आप इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है, बस जीवन का अधिकार को छोड़ के, याद किया। अब क्यों होगा निलंबित भाई, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल होगा, तो आपातकाल होगा तभी ये हो सकता है, याद रखेगा, वो भी राष्ट्रपति का आदेश है। आगे सवाल है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, याद रखिएगा। भारत में किस न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, याद रखिएगा, कोई भी न्यायिक समीक्षा करना हो तो। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में ही करेंगे, कहीं और नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है, संविधान के द्वारा किया जाता है सृजित, याद रखेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर मतलब सलाह पर, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गले खराब है इसलिए थोड़े से वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, तो
और थोड़ा कम समय में आ रहा है। जल्दी जल्द ठीक करके मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है बहुत सारा। तो मेरा किताब तो बहुत सारा रखा हुआ है मेरे पास, कांसर का है, एसके झा का है, इजिटेरिया का है, हमारा बीपीएससी कहिए, क्या कहते हैं उसको, कोने अकाडमी है, नाम बोल रहा हूँ, उनका बुक है, तो सारा का पढ़ा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए शासन संग्रह का 2005 का खत्म करने जा रहे हैं बिहार एसएससी का, ठीक है, और फटाफट खत्म करेंगे, वन लाइनर है, और जल्द ही मैं लाने वाला हूँ, बोला था मैंने, प्लेटफॉर्म का सार संग्रह और खान सर का सार संग्रह और भी बहुत सारे जो बुक है, जितने भी प्रकाशन के सार संग्रह सब आने वाले हैं, थोड़े से गलत ठीक हो जाए तो जल्द और आने वाले हैं, और वो भी मैं पीडीएफ बनाकर खुद तैयार करके लाऊंगा, लेकिन बुक वही रहेगा, ठीक है। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की उम्मीदवार जो होते हैं कि न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए, 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया, तो गेहूं की फसलों को प्रभावित किया था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की, तो डॉक्टर वर्सिल वर्सिल कुकर्णी का नाम आता है, कुरियन का नाम आता है, सॉरी कुकर्णी नहीं कुरियन, वर्सिल कुरियन का नाम आता है, याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड के नाम पे। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाला कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी बना है, तो जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं, याद रखिएगा प्रथम भारतीय का। आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कृत्रिम त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, कौन सी कृत्रिम त्वचा है जिसे पार कर आंत जो होता है ना हम लोग का आंत में प्रवेश कर जाता है, तो फीता कृत्रिम कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग हुई अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 3 मिग्रा लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बटा 100 ग्राम खून होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आहार नाल सामान्यता किसका बड़ा होता है, तो मांसाहारी लोगों का होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल आप देख सकते हैं, गाय में दूध का पीला रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना है। बीजों को अच्छी तरह परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है, तो ठंडे और शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है, समझ गए। हार्मोन क्यों उपयोगी है, तो उपाचयी प्रक्रिया हेतु बहुत ही उपयोगी है। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है, तो केल्विन होता है, केल्विन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो एक MU जिसका शॉर्ट फॉर्म में मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है, परमाणिक द्रव्यमान इकाई, ठीक है, किसके समतुल्य है, तो याद रखिए 1.675 × 10⁻¹ ग्राम। चलिएगा यहाँ पे देखेंगे, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि ताकि अस्थायित्व जो होता है में वृद्धि हो सके, मतलब चढ़ने में आपको आराम से हो सके, झुकेगा तो चढ़ना आसानी होता है। आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एक क्रिकेटर खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचता है, मतलब चोट लगने से बचता है, पीछे करता है, तो यह कौन सा सिद्धांत है, तो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत माना जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे का दाब क्या होगा, तो याद रखिए कम हो जाएगा, हमेशा याद रखेंगे। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो नीला, हरा और लाल होते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, तो बहुत नरम होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिए 4 से 5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता, तो सेलुलोज नहीं होता है, याद रखिएगा। वेग त्वरण
वह तय की गई दूरी में सहसंबंध जो है क्या है, तो -v2 बराबर u2 u स्क्वायर है, याद रखेंगे, +2as होगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, तो तरंग के रूप में करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, याद रखेंगे, तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर, 1 किग्रा जो होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, 0 डिग्री जो है सेल्सियस देख रहे हैं, तापमान की 1 किग्रा है, बर्फ का 10 डिग्री, 10 डिग्री पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है, तो परिणाम जो है, परिणामी जो होता है तापमान क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। देखिए बर्फ जो है 0 डिग्री है, ठीक है, और 10 डिग्री पानी के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है, तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है, तो नीला रंग, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि गला जब तक ठीक ना हो जाए छोटे छोटे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बिहार एसएससी बीपीएससी का शासन संग्रह चल रहा है, 2007 का पेपर चल रहा है, जिसमें ये पेपर हुआ था DRDA, ठीक है। तो चलिए फास्ट चलते हैं और क्वेश्चन को जो है वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर टीम के कोच बुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा कानपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था 2007 में, ये ध्यान रखिएगा 2007 का चल रहा है। आगे है कि खालसा पंथ के संस्थापक या स्थापना किसने किया था, या कौन करने वाले थे, कौन किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है। आगे सवाल है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया, तो साबरमती आश्रम से किए थे, और दांडी यात्रा को सबरमती आंदोलन भी कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह का नाम आता है। और एक और आते हैं जो कि आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में मैंने MCQ में करवाया है, बताइएगा जरूर। आगे सवाल बनता है कि कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी से होकर गुजरती है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसी तरह अभी जो वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है उसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आप जानते हैं कि बाजार नियंत्रण करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है, याद रखिएगा, खिलजी वंश का था, याद रखेंगे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था, मतलब कलेक्टर पद जो है कब स्थापित किया गया, कब आया, यानी कि 1772 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा किससे पराजित हुआ था, तो अफगान से पराजित हो गया था 1761 में, तृतीय जो है क्या हुआ था, पानीपत हुआ था, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो याद रखिए लॉर्ड विलियम बैंकिंग का नाम आता है, उन्होंने रोक लगाई थी, मतलब ये अंग्रेज जो था गवर्नर जनरल, ये लगाया था। आगे सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, ये हमेशा याद रखिएगा, JK में है। आगे सवाल है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर कहिए या अध्यक्ष कहिए, करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, भारत पर पहला जो है आक्रमणकारी था उसका नाम आता है चर कैक्सिस कहते हैं, याद क्या कैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है, मतलब बिहार कितने सीमाओं से घिरा हुआ है, तो 3 सीमाओं से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, राज्य का पूछ रहा है, याद रखेंगे। कौन कौन बता सकते हैं, एक मैं हिंट देता हूँ, उत्तर प्रदेश, दूसरा और तीसरा बताइएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते हैं, तो हम हमेशा पशुपति का पूजा करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी का है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि राज्यसभा है कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 जो है करता है, अब वर्तमान में हट गया है, दो जो अंग्रेज जो होते थे एंग्लो इंडियन उसे हटा दिया गया है, याद रखिएगा, अभी हटा दिया गया है, जो
ये 2007 तक लागू था, यहाँ तक कि आपको 2012-13 सब में मिलेगा, लेकिन अब जो है हटा दिया गया है मोदी जी की सरकार में। आगे सवाल है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्ग रोहन किस तिथि को हुआ था, मतलब स्वर्गवास हो गया था, बताइएगा कब हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1858 याद रखिएगा, मतलब 1858 में याद रखिए इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे सवाल है कि मुगल प्रशासन में किसे मुहास्तिब, ठीक है, मु हाँ याद किया, तिशब कहते हैं, सॉरी मुहा तिशब कहते हैं, कहा जाता है। तो जन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, भूदान यज्ञ किससे संबंधित है, तो विनोबा भावा से संबंधित है। भूदान यज्ञ अगर पूछते किससे संबंधित है, तो विनोबा भावा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, हमेशा याद रखिएगा प्रथम उपदेश, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता का नाम आता है, क्योंकि त्रिस्तरीय दिए थे। अब कब हुआ था, 73 में संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, मतलब 1992 याद रखिएगा। आगे सवाल है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित है, तो आप जानते हैं अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, बिंदुसार का पुत्र है, याद रखिएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन है कौन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये भी ध्यान रखिएगा। जल्द आने वाला है आपको जो है पीडीएफ के रूप में आने वाला है, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, अभी लिंक नहीं दिया जा रहा था इसलिए क्योंकि लिंक में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, लिंक भी दे दिया जाएगा आपको, वो पीडीएफ जो है रहेगा बुक से ही रहेगा, लेकिन उसे मतलब एडिटिंग करके एमएक्स वर्ड के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको आसानी से पढ़ने में हो, क्योंकि फोटो खींचकर पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा बुक का जो है अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एमएक्स वर्ड पे एडिटिंग करके पीडीएफ बनाकर आपको शेयर कर दूंगा, तो उसी से पढ़ाऊंगा, बुक का ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है, तो मंसूरी में, याद रखिएगा। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, याद रखिए दक्षिण में पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट बताना है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे है कि कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो सुंदर लाल बहादुरी का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की बात करते हैं, तो मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया, तो शुंग वंश आया है, याद रखिए मौर्य से पहले कौन वंश था, नंद वंश था, उसके बाद मौर्य खत्म हुआ तो शुंग वंश आया, याद रखिएगा। एशियाई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन होता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। किसके किसकी कमी से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किसकी कमी से जीरो पैथलमिया रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है, भौगोलिक विस्तार के दृष्टि कौन से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो याद रखिएगा इंटरनेट जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सार संग्रह हिंदी में, तो सार संग्रह हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आने वाला है, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहेगा तभी, क्योंकि कुछ तो मेहनत का फल मुझे भी मिलना चाहिए। आगे सवाल है कि 1 मेगावाट में कितने वाट्स होते हैं, तो याद रखिएगा 1024 वाट स्क्वायर में होते हैं, याद रखिएगा मेगावाट है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 1024 × 1024, याद रखिएगा, ऐसे मेगावाट पूछ रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी है, प्रकाश वर्ष दूरी है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य से आती हुई परावैगनी किरणें से हमारी रक्षा कौन करता है, तो O2 करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा O2 करता है। आगे सवाल है कि किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी, तो न्यूटन ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, घाव के शीघ्र भरने से कौन सा विटामिन
सहायता करता है, तो विटामिन सी करता है, हमेशा याद रखिएगा इसे, विटामिन सी होगा, याद रखिएगा, जिसमें बेस्ट आंवला को माना जाता है, विटामिन सी में ऐसे खट्टी चीज को माना जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो जल उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है, तो ध्वनि के वेग से अधिक होगा, याद रखिएगा। सुपरसोनिक जो जेट होता है, कि जेट मतलब जहाज के बोला जाता है, याद रखिएगा, कि क्या चाल होती है, तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो TCS, ये 2007 के हिसाब से है, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर अपडेट रखना होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल पूछता है कि अम्ल राज में क्या क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, अम्ल राज में क्या होगा, HCl एवं याद रखेंगे HNO3 होगा, याद रखिएगा। चलेंगे, याद रखेंगे, एसिड का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, एक वर्ड न्यून, याद रखिएगा, डिफेंसिस सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं, याद रखिए, एड्स का पूरा नाम है, याद रखेंगे, ठीक है, इम्यून कहते हैं उसे। आगे चलेंगे, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन, 17 बोल रहा हूँ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, हटा दिया गया है, याद रखिएगा। कहाँ से, तो मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, इसे वैधानिक मान दिया गया है, मतलब तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के रूप में दिया गया है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसे बोल बोल के याद करेगा तो ज्यादा आपको याद हो जाएगा। आगे सवाल बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आप जानते हैं 32वां संविधान संशोधन को कहा गया है, 32वां जो मौलिक अधिकार में है, 32वां उसे कहा गया है, याद रखिएगा। और संविधान की आत्मा जो है, याद रखिएगा, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में जोड़ा गया है, ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो याद रखिए 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, या राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बने, याद रखिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे सवाल बनता है, अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है, तो 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है, 2007 है तो 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है, अब बताइएगा अब तक में कितना हो गया, 7 से जोड़ते चल जाइए, ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, लोकसभा का सचिवालय की सीधा देख रेख में कार्य कौन करता है, तो संसदीय मामले के मंत्री लोग करेंगे और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने ही लाए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऐसे बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो जान लीजिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अगर नहीं हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सब काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। भारत लोक सेवा को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 311 जो है प्रदान करता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 311। पंचायती राज्य का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 40। जैसे ही पंचायती राज की बात होगी, चर्चा की बात होगी, याद रखिएगा, उल्लेख की बात होगी, वर्णन की बात होगी, तो हम आर्टिकल 40 को याद रखेंगे। ऐसे आपको मैंने बता दिया था, पंचायती राज तृतीय स्तरीय पर बल मंत्रालय मेहता का नाम आता है, जो कि पूरे भारत में लागू हो चुका है, और याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत हो गया है। बंगाल में 4 स्तरीय भी चल रहा है, याद रखिएगा, उसमें थोड़ा ज्यादा चलता है। आगे सवाल बनता है कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो चैडविक हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन धातु है, तो चांदी है। कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है, तो रेमिन करता है, याद रखिएगा। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है, तो रोन जेन का नाम आता है। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 क्रोमोसोम कहिए या गुणसूत्र कहिए,
चलिए 2007 का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये बिहार एसएससी सार संग्रह का चल रहा है जो कि थंब लाइन में आपको दे दिया जाता है। आपको अगर विश्वास ना हो, जो मैंने वीडियो नया डाला है बुक टेस्ट का, आप बुक लेके खरीद के आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही रहेगा जो आपको दिया जा रहा है और एग्जाम में वही आएगा जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, यही आप। चलिए मेरे दोस्त आ गए, अब से लगातार चलेगा सार संग्रह 2004 का। 2003 तक हो गया था, अब वीकली दे चुका हूँ, अब 2004 का वीकली दूंगा जितना पढ़ाया जाएगा। तो स्पीड के साथ चलेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे और दना दन डेली, हो सकता है दिन में अब 2 बार करें क्योंकि एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्पार्क का है, रेडफॉर्म का है, खान सर का है, बहुत सारा है, तो करवाना मेरा बनता है, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। देखिएगा, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक में है, ये हम जानते हैं। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ? कटक में है। वह कौन सा देश है जहां मृत सागरों को जहाज, सॉरी मृत शरीरों को, एक मिनट बढ़िया से करते हैं। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं, बिहार बीपीएससी का सार संग्रह 2004 का चल रहा है। क्या है? 2004 का चल रहा है और ये वीकली दे दिया जाएगा जितना भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2004 में है, इसी को रिपीट करके क्वेश्चन जो है 1998 में पूछा है, 2002 में पूछा है और 2003 में भी पूछा है पहला क्वेश्चन जो है। तो चलिए इसी पे फटाफट करते हैं देरी न करते हुए। और इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस है मेरे पास, खान सर का है और प्लेटफॉर्म का है, फिर आपका स्पार्क का तो चल ही रहा है, आप देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक में है, आप जानते हैं उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है, ये आप सीखेगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि अभी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 2003 में पूछा था। यहाँ पे देखिए, वह कौन सा देश है जो मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? तो मिस्र में रखा जाता है, आप जानते हैं मिस्र में रखा जाता है, इजिप्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है कि रूस में कब क्रांति हुई थी? याद रखिए 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद जो है किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को माना जाता है, 1857, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में वाणिज्य बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा वो सर्दी है तो ध्यान रखिएगा, आवाज थोड़े से बीच में दिक्कत हो तो। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे और प्रथम थे, आप जानते हैं। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां को क्या नाम था? तो याद रखिए खुर्रम, क्या नाम था शाहजहां का? खुर्रम। चलिएगा, रक्षोना किसकी पत्नी थी? तो सेलकुश की पत्नी थी, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि अमृतसर नगर का नींव किसने रखी? तो गुरु अमरदास ने रखा, याद रखिए, मतलब रखे थे। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया था, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन के स्थापना संस्थापक कहिए या स्थापना कहिए, स्वामी विवेकानंद किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपा नगर विख्यात है, हमेशा ध्यान रखना है। आगे सवाल है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देशों से बाहर हो, देश से बाहर हो, तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालेगा या ग्रहण करेगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है, आप देख सकते हैं। आगे सवाल है, सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? डेनमार्क है, आप जानते हैं। यूनेस्को का संस्था जो है, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? तो गर्म हो जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी कब कब जो है किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। आराधना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आप देख सकते हैं। आन का मान क्या है? नाटक एक संग्रह है, याद रखिएगा।
ठीक है चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि साहित्य रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं, संग्रह कहते हैं। आगे सवाल है कि अधिकारियों अधिकारों या अधिकारों जो होते हैं अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है, संघ कहलाएगा। अगर अधिकारों के लिए अगर संगठन बनाया तो उसे संघ कहेंगे। एंथ्रेक्स क्या है, तो जीवाणु है, आप याद रखिए जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। सार्क, सार्क में कितने देश हैं, तो याद रखिए 8 है। इसका सार्क का कहाँ है मुख्यालय, तो काठमांडू में है, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, उड़ीसा राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि वहीं लड़ाई भी हुआ था कलिंग का, अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था उस समय, तो वह धर्म परिवर्तन हो गया, मतलब वो अपने आप को बदल दिया कि नहीं, इतने संघार दे के उसे होश में आ गया कि नहीं ये गलत है, ठीक है। कौन, अशोक। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था, तो जमशेदपुर में, आप जानते हैं। भारत का पहला, भारत की तरफ से, कैस्पियन सी मतलब सागर बताइएगा, तो क्या है, झील है, आप जानते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो बीजापुर में है, आप जानते हैं। कैस्पियन सी क्या है, झील है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल है, भारत नाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत नाट्यम तमिलनाडु का है। डेंगू बुखार किससे फैलता है, तो मच्छर काटने से फैलता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था 2004 का। खरीफ मौसम, खरीफ का मौसम कब होता है, तो जून और सितंबर में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है, तो 10 वर्षों में करवाई जाती है। आगे सवाल है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि का होता है, तो 5 साल का होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में, आप जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया है, तो याद रखिएगा आर्किमिडीज का नाम आता है, इनका बहुत जरूरी है। आगे सवाल है, गैसों का दबाव किससे मापा जाता है, मतलब दबाव जो होता है दाब, याद रखिए मैनोमीटर से होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है, तो सुक्रोज है, याद रखेंगे। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है, तो डिस्टिलेशन से होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है, तो रक्त के शक्कर का स्तर को बढ़ाने में करता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। आगे सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं, हम लोग CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा का कंफ्यूजन ना रखें। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपको कोई कोई क्वेश्चन जो है, देखिए जैसे बता देता हूँ, 2003 में मिला होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2004 में। रिएक्शन का हुआ है, सोमनाथ मंदिर का हुआ है, रामकृष्ण मिशन का, अखबारी कागज का, ये सब पूछा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए उड़ीसा का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ रिपीट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रूस की क्रांति भी बड़ी बार पूछा है, आप देख चुके हैं, मंगल पांडे के बारे में पूछा हुआ है, तो ये सब रिपीट क्वेश्चन है, जो कि हूबहू 2004 में इनपुट कर दिया है। ये भी भारत स्वतंत्र भारत के, ये इनपुट कर दिया, समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है 2003 में था, 2004 में भी मिला है, मतलब सोचिए रिपीट क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर को हम छोड़े क्यों, पढ़ना जरूरी है। तो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करेंगे, और आपका सपोर्ट बना रहा तो मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा। एग्जाम क्रैक कराने के लिए मैं वादा करता हूँ कि 99% क्वेश्चन मिलेंगे, और 100% पास करने का गारंटी देता हूँ, अगर मेरा बातों को फॉलो करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं बीपीएससी का 2005 का। 2004 का ज़्यादा पेपर नहीं था, 2 से 3 पेपर था, इसलिए करवा दिया। 2005 का करवाते हैं, और सारा प्रीवियस ईयर चला बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, सार संग्रह, स्पार्क का, जो प्रथम लाइन में आपको दिया जाता है। तो चलिए फास्ट चलते हैं, और देरी ना करते हुए आगे चलेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, मतलब कौन सा क्षेत्र था अफीम के लिए, तो बिहार सबसे ज़्यादा था, इसलिए याद रखिएगा। तो अंग्रेजी शासन के समय याद रखिएगा, पूछ देगा अगर
कि अफीम उत्पादन हेतु कौन सा राज्य था, तो बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो संथाल जनजाति होता है, याद रखिएगा, जो कि 1855 में हरा दिया था कमांडर को, अंग्रेजी कमांडर को, कौन? तो मेजर बारो, नाम ही है मेजर बारो, जो कि संथाल, जो अंग्रेजी कमांडर था उसको मेजर बारो नाम था, जो कि संथाल ने हरा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। देखिए, अंग्रेज जो है क्या किया था, अंग्रेज जो है शामिल कर दिया था, भारतीय सेना जो बनाया था उसमें चर्बी वाला कारतूस शामिल कर दिया था, जिसका एनफील्ड राइफल नाम था, जो कि कब शामिल किया, तो याद रखिए दिसंबर 1856 में, याद रखिए 56 में, तभी तो 1857 में क्रांति हो गया, जो कि मंगल पांडे का मेन भूमिका रहता है ना। चलिएगा, आगे सवाल है, शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि की अगर बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ये पूछा था 2005 में। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है कंपटीशन में, कोई सीमा नहीं होता, इसलिए प्रीवियस ईयर बोला जाता है कि देख के जाया करें। 1899 से 1900 के ईस्वी में मुंडा क्रांति जो है के नेता कौन थे। तो मुंडा एक जनजाति है, आप जानते हैं, क्योंकि 1899 और 1900 के लमसम में बिरसा मुंडा के मुख्य भूमिका माना जाता है, तो बिरसा मुंडा थे। तो मुंडा क्रांति के नेता कौन, तो बिरसा मुंडा, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, ठीक है, 2005 का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखिए स्वामी सहजानंद। जैसे ही अखिल भारतीय किसान सभा की बात होगी ना, उसी समय प्रथम सत्र मतलब प्रथम बैठक की बात होगी, तो वो स्वामी सहजानंद सहजानंद जो है अध्यक्ष बने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो 1828 में, याद रखिएगा, किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा, यही ध्यान रखना है। सत्य प्रकाश, यहाँ पे देखिए सत्य प्रकाश की रचना किसने की। तो सत्य प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति क्या थी। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है ना, मत पूछिए। 1998 से हम इसको देख रहे हैं, अभी तक मैं लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अनुशीलन समिति क्या थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन था, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ प्राकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं वारिंग हेस्टिंग ने लाया था, याद रखिएगा। तो वारिंग हेस्टिंग की अगर बात करें हम लोग, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था या इससे जुड़ा हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्डर बैबल बैबल दोनों ने मतलब दोनों से वार्ता हुई थी, वार्ता मतलब बातचीत। ठीक है, तो वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद ही थे, जो कि क्रिप्स मिशन व, याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन व लॉर्डर बैबल दोनों एक ही, ठीक है, क्रिप्स मिशन या बैबल, याद रखिए, दोनों से वार्ता किए थे। कौन? तो अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई। तो याद रखिएगा क्रमशः 71 और 147, 71 और 147 दिए गए, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, हमेशा डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल का नाम आता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक ए आई सी, याद रखिएगा, ठीक है, के खजाची बोला जाता है, सॉरी खजाची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक तरह से इनको कैद कर दिया गया था। ए आई सी का जो व्यक्ति थे, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें कैद कर लिया गया था 1930 में। ठीक है, पकड़ लिया गया, कैद भी कर दिया गया था जेल में। तो याद रखिए उनका नाम है यहाँ पे तो जमुना लाल दिया हुआ है, जमुना लाल भी लिखा रहता है, याद रखें। ठीक है, जमुना लाल बजाज है, जमुना लाल भी लिखा रहता है, ये ध्यान रखें, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया। ठीक है,
आगे सवाल की अगर बात करें 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यार देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे, 1947 की बात हो रही है। तो देखिए इसमें दो तरह के हुआ था, 1947 के बाद की बात करते हैं तो जेबी कृपाणी का भी नाम आता है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से ऑप्शन आएगा, ठीक है? नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, नहीं तो जेबी कृपाणी होंगे। तो जेबी कृपाणी का वैसा भूमिका भी 47 के बाद दिया जाता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको छाड़ दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। उस समय 2005 के क्वेश्चन पेपर है, उस हिसाब से आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है? आगे सवाल है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आजाद निभाए थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है, बॉम्बे बॉम्बे बम्बई बोला जाता है, मैं अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना कब हुई? तो 1920 में, इसका शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं ना, AITUC, ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1920 में, कहाँ? मुंबई में, मुंबई उस समय बोला जाता था। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष का नाम आता है, शिशिर है, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या पूछा है भाई, कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित मतलब साइन किया गया था होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो याद रखिएगा, वो याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू नाम है इनका। तो गांधी इरविन समझौता का जो कहते हैं ना, बैठक हुआ था, समझौता हुआ था, उस पर मुख्य भूमिका अगर बात करें ना, तो हम तेज बहादुर सप्रू को कहेंगे, याद रखिएगा, हस्ताक्षरित हुआ था। आगे सवाल है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष किए थे। तो निष्क्रिय विरुद्ध अगर बोले सिद्धांत कौन दिया, तो अरविंद घोष का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचार करता है? तो लीडर, लीडर एक अखबार था जिसमें उदारवादी जो व्यक्ति थे उनका प्रचार प्रसार करता है, याद रखिएगा, मतलब उनके विचार को। और क्या, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन हम लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखिए, जब चंद्रमा के बीच में होता है, जब चंद्रमा के बीच में होता है। आगे सवाल है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी उठती है? तो चंद्रमा से उठती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो याद रखिए, 1921 को हम लोग महाविभाजन का वर्ष का, याद रखिए 1921 को, वही क्वेश्चन यहाँ पे, तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19, मतलब अनुच्छेद 19, प्रेस से संबंधित, मीडिया से संबंधित अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 को याद रखिएगा, ठीक है, समाचार पत्र से। मतलब भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, आप जानते हैं महाभियोग 61 के तहत होता है ना, महाभियोग कब लगता है, कौन सा आर्टिकल में, तो 61 में चर्चा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो याद रखिएगा, 2026 तक ये यथावत रहेगी, याद रखिएगा, 2026 तक चलेगा, 1971 के जनगणना के आधार पर जो लोकसभा में राज्यों के सीट का आवंटन है, उसके बाद चेंज हो सकता है, जैसा है वैसा भी रह सकता है। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? भारत का प्रधानमंत्री जो है किसका मुखिया है? तो केंद्र सरकार का मुखिया है, मतलब लीडर है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, ये आप जानते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति ही करेंगे राष्ट्रपति, याद रखिएगा। सलाह पे बल के होता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि सलाह देगा राष्ट्रपति, नियुक्त करेंगे, आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर का हो या कहीं का हो। आगे सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई है, उसका अध्यक्ष कौन
था तो बलवंत राय मेहता थे, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की बात करेंगे, 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 1992 की बात करते हैं, और बलवंत राय मेहता के सिद्धांत को दिया गया है त्रिस्तरीय पंचायती को लागू किया गया। आप जानते हैं पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। अभी वर्तमान में आप करेंट में पढ़े होंगे कि पंचायत से संबंधित, ठीक है, अभी न्यूज में भी चलता है। आगे सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग को लघु संविधान कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सॉरी, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, ये हमेशा ध्यान रखना है। आर्थिक नियोजन का विषय विषय इसमें है क्या, समवर्ती सूची में है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल बनता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महाल नोविश, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल कौन है, तो पीसी महा नवीश का मॉडल पर आधारित, याद रखिएगा। डेट बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट करिए क्योंकि तो मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे सवाल है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे शॉर्ट फॉर्म में नवार्ड कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में, मतलब किस वर्ष किया गया था, तो छठी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें इसे लाया गया था, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कर्नाटक है, आप जानते हैं। आगे सवाल बनता है कि किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल आपका बनता है कि लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो कोई ऊष्मा को हानि नहीं होती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, पित्तल में कौन सी धातुएं हैं, तो याद रखिए तांबा और जस्ता मिला होता है, ये भी ध्यान रखना है, वन लाइनर है, ये ध्यान रखते हुए चलेंगे। चूहे चूहे मारने का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, बता सकते हैं चूहे मारने का जो जहर है वो बताइएगा, उसका रासायनिक पदार्थ बताइएगा नाम क्या है, तो याद रखिएगा पोटाशियम साइनाइड होता है, पोटाशियम साइनाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है, आगे सवाल देखिएगा, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, तैरने के थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन को हटाइए, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है, बता सकते हैं, तो क्लोरीन के कारण जल जाती है, ये तालाब की जगह पे समुद्र की बात अगर करते हैं तो ज्यादा सूट करता है। ठीक है, आगे चलें, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आप लोग इस वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर बाद में देखना होगा तो फास्ट करके जरूर देख लेंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे जो है नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके हम लोग पैदा करते हैं श्वेत प्रकाश को, ठीक है, याद रखेंगे। सोने को जो है सोने को किसमें घोला जाता है, मतलब सोना जो होता है उसे किसमें घोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोलते हैं, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, तो पानी बन जाएगा, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा होता है, आयरन होता है। एस्पिरिन एस्पिरिन कहाँ से मिलता है,
एशिडो की रासायनिक अभिक्रिया से मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आप देख सकते हैं कि अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो कारखानों से होगा। जब भी अम्ल वर्षा की बात होगी तो कारखानों से होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो याद रखिए 1858 में हुआ था, मतलब 26 अप्रैल 1858 में हुआ था, 1858 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल को याद रखेंगे। आगे सवाल आपका देख सकते हैं कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो फणीन्द्रनाथ घोष, फनी याद रखिएगा, नंद नाथ घोष याद रखिएगा। और सर्दी के कारण थोड़ी आवाज और लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए सॉरी। आगे सवाल है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ, तो याद रखिएगा गया में हुआ था, याद रखें 1922 हमेशा याद रखें, गया में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था, आप जानते हैं। अगर जो भगवान है महात्मा बुद्ध जो है, का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, महापरिनिर्वाण मृत्यु याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश कहाँ दिए थे, किस स्थान पर, तो साबरमती याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ दिए थे, तो साबरमती, चलिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा गृह ब्रज, मतलब राजगृह या राजगीर बोलते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने किया था नंद वंश के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला था, याद रखिए मौर्य काल में, ये नहीं पूछ रहा है, मौर्य काल की बात हो रही है, तो तक्षशिला, उसके बाद हमारा नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। आगे सवाल है कि मेगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका, जस्ट आप प्रीवियस ईयर में या मुख्य टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आप पढ़े होंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो कश्मीर में किया गया था कनिष्क के द्वारा, बौद्ध सभा, बौद्ध सभा मतलब बौद्ध संगीति, और कनिष्क कौन सा संगीति करवाया था, चौथा बौद्ध संगीति करवाया था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तृतीय हमारा अशोक करवाया था, जो कि मतलब पाटलिपुत्र में करवाया था, है ना, याद रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद किया वो है विशाखा दत्त है। पुस्तक के बारे में ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हस्तचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिए पानभट्ट का नाम आता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव थे, याद रखेगा। आगे सवाल है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, तो लोक आचरण अधिकारी था, मुहतसिब, मुहतसिब का मतलब है लोक आचरण, याद रखेगा, अधिकारी था। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, उसका विचार का मतलब उसके बारे में बताइए कि क्या है, तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काज करने की बात करता है वैश्वीकरण, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट भी आएंगे, 2005 का ही आएंगे, और इसका भी 3 जो है वीडियो बनेगा, क्योंकि 2005 में 3 ही बात पेपर हुआ था, जो क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करेंगे, और जल्द ही आपका सारा प्रैक्टिस शेड आने वाला है, थोड़े से बीच में तबियत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बना था, इसलिए क्षमा। चलिए मेरे दोस्त, आज सार संग्रह का बिहार एसएससी का आप चलने वाला है, 2005 का चल रहा है, ठीक है। 2005 में बिहार एसएससी पूछा था, और उसका पेपर है प्रीवियस ईयर, तो चलिए फास्ट करते हैं। बीपीएससी का लमसम हो चुका है, अब बिहार एसएससी का हो रहा है, तो चलिए देख सकते हैं कि देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 चला था, आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कि में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया है, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना को बताइएगा किस पे महत्व दिया गया है। सबसे पहले तो जानते हैं आप कि द्वितीय विश्व युद्ध
एवं विभाजन के कारण क्या हुआ था, उत्पादन में असंतुलन हो गया था। उसे दूर करने के लिए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो है हुआ था, महत्व दिया गया था। ठीक है, मतलब कृषि पर ज्यादा महत्व दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार जो है बनाकर किया गया है, कौन से आधार बनाया गया है, क्या आधार है, किसे आधार बनाया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था, याद रखें, मुद्रास्फीति में। अब देखिए यहाँ पे बिहार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी, तो मतलब किसके शासन काल में थी, तो लिच्छवी के शासन काल में थी, मतलब किसके शासन काल में, तो लिच्छवी के शासन काल में, कौन ताम्रपाली, ठीक है, बिहार के वैशाली के नर वधु थी, याद रखिएगा, नगर वधु ऐसा कहा जाता है, याद रखिएगा, नर वधु नहीं नगर वधु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है या कितनी है, तो याद रखिए 17% है, ये 2005 के क्वेश्चन के हिसाब से है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। आर समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे, तो आर समाज जो है या समाजी जो होती है कि जड़ तक पहुंचे, तो हरिजन तक का ये बना था। आर समाज जो है कि आपका हरिजन लोग हैं उनके जड़ तक भी आपको जोड़ना है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जाति के हित के लिए किस मतलब के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो सत्यशोधक समाज था, याद रखिए, ब्राह्मणों के अधिपत्य हो गया था, ठीक है, और उनके अधिपत्य के लिए याद रखिएगा एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नाम था सत्यशोधक समाज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रथम जो है आंदोलन बताइएगा क्यों निलंबित किया, बता सकते हैं, सॉरी, गांधी जी ने अपना प्रथम जो आंदोलन था मतलब कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्यों निलंबित किया, मतलब रोके क्यों, हटाले क्यों, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, मतलब चौरी चौरा कांड हो चुका था इस समय 1922 में, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया, रोक दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, तो याद रखिए ए ओ हुम का भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे मैंने शॉर्ट वीडियो में मॉक टेस्ट दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए शॉर्ट वीडियो जो मैं देता हूँ उसमें मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल आपका है कि केन्या की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा नोरोबी भी है, याद रखिएगा, 2005 का, याद रखिएगा। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक दीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है, तो इंडोनेशिया जाना जाता है, हमेशा ध्यान रखना की बात है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, चलिए इस पे भी मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोध गया में, आप जानते हैं, और बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, मतलब कहने का अंतिम तो तीर्थंकर थे कौन, महावीर जी है ना, महावीर जी, लेकिन उनसे पहले कौन थे, तो पारसनाथ थे जो कि 23वें तीर्थंकर थे, बस यही घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, बस ध्यान रखिए पूर्व पूछ दिया है, पहले अंतिम कैसे, ठीक है, याद रखेंगे। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो कलहन की रजतरंगनी में ये पुस्तक में कहा गया है, याद रखिएगा, कलहन का एक रजतरंगनी पुस्तक है जो कि श्रीनगर शहर को बनाया है, मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, इसे भी मिला था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा किया गया, भद्रबाहु द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो है किसके पास था, तो राजा के पास था, ये भी ध्यान रखने की बात है। अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो याद रखिए रज नामा कहते हैं, याद रखिए रज रजम
नामा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत सभ्यता कब हुई? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ये भी ध्यान रखने की बात है। लेप्चा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है? तो सिक्किम में निवास करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व में सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। आगे चलेंगे, आगे सवाल आप देख सकते हैं, किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास जो है ने बुद्ध से पूर्ण आस्था व्यक्त किया? तो वो याद किया जीवन चक्र कहते हैं, वर्ण श्रम धर्म कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि किस समकालीन, कौन सा समकालीन में ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया? तो जीवन चक्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था, ये भी ध्यान रखने की चीज है। आगे सवाल है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखने की चीज है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, शिक्षा जो मूलतः मानते हैं या मुक्ता कहिए, राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया? राज्य का था, समवर्ती सूची में जोड़ दिया, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 1976 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जैसे ही बात होगी ना इस भारतीय संविधान में संशोधन की बात होगी कि संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है, तो याद रखिए आर्टिकल 368 में है, याद रखेंगे, 368 में। आगे सवाल है, भारत में पंचायती राज्य संस्थान अपने कोष मुखता किससे प्राप्त करता है? तो सरकारी अनुदानों से ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा, पंचायती राज्य संस्थान। आगे सवाल है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है, आप जानते हैं। चलिएगा, आगे सवाल है, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और अस्तित्व में कब आ गया? तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए, नवंबर 26 तो दोनों है, 26 जनवरी और 26 नवंबर, तो 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा, अंगीकृत हुआ याद रखिएगा, लागू करने का प्रस्ताव आया था, और पूर्णता जो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, अस्तित्व में आ गया। आगे सवाल बनता है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, कौन किया? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधित्व जो होते हैं उन्होंने किया था, याद रखेगा। आगे सवाल है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लगा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना सा समय लगा था, कौन सा मतलब कितने समय लगे थे, टाइम लगे थे? तो 2 वर्ष तो याद रखेगा, 11 माह याद रखेंगे, 18 दिन लगा था। तो संविधान बनने में हमको 2 वर्ष, 2 ईयर्स, 11 मंथ मतलब 11 महीना और 18 दिन लगे थे, याद रखिएगा। चलें, आगे सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 352 मतलब 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन का अधिकार नहीं कर सकते, जीवन का अधिकार अगर निलंबित होने लगेगा तो मरिए जाएंगे, वो नहीं कर सकते, याद रखिए, और सब कर सकते हैं अगर आपातकाल। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, तो देखिए अभी पढ़े आप इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन, देखिए संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है, बस जीवन का अधिकार को छोड़ के, याद किया। अब क्यों होगा निलंबित भाई? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल होगा, तो आपातकाल होगा तभी ये हो सकता है, याद रखेगा, वो भी राष्ट्रपति का आदेश है। आगे सवाल है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग, याद रखेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, याद रखेगा। भारत में किस
न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, याद रखिएगा, कोई भी न्यायिक समीक्षा करना हो तो। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में ही करेंगे, कहीं और नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है सृजित, याद रखेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, मतलब सलाह पर, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गले खराब है इसलिए थोड़े से वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है और थोड़ा कम समय में आ रहा है, जल्दी जल्द ठीक करके मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम आने वाला है बहुत सारा। तो मेरा किताब तो बहुत सारा रखा हुआ है मेरे पास, खान सर का है, एसके झा का है, इंजीनियरिया का है, हमारा बीपीएससी कहिए, क्या कहते हैं उसको, कोने का अकेडमी है, नाम बोल रहा हूँ, उनका बुक है, तो सारा का पढ़ा रहा है। चलिए आज के लिए नहीं रखते हैं, चलिए शासन संग्रह का 2005 का खत्म करने जा रहे हैं, बिहार एसएससी का है, ठीक है, और फटाफट खत्म करेंगे, वन लाइनर है, और जल्द ही मैं लाने वाला हूँ, बोला था मैंने, प्लेटफॉर्म का सार संग्रह और खान सर का सार संग्रह और भी बहुत सारे जो बुक है, जितने भी प्रकाशन के सार संग्रह सब आने वाले हैं, थोड़े से गलत ठीक हो जाए तो जल्द और आने वाले हैं, और वो भी मैं पीडीएफ बनाकर खुद तैयार करके लाऊंगा, लेकिन बुक वही रहेगा, ठीक है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार जो होते हैं कि न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया? तो गेहूं की फसलों को प्रभावित किया था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर वर्सिल वर्सिल कुकर्णी का नाम आता है, कुरियन का नाम आता है, सॉरी कुकर्णी ने कुरियन, वर्सिल कुरियन का नाम आता है, याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड के नाम पे। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाला कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी बना है? तो जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय का। आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कृत्रिम त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? कौन सी कृत्रिम त्वचा है जिसे पार कर आंत जो होता है ना, हम लोग आंत में प्रवेश कर जाता है, तो फीता कृत्रिम कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 μl होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? 14 g हीमोग्लोबिन बटा 100 g खून होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आहार नाल सामान्यता किसका बड़ा होता है? तो मांसाहारी लोगों का होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल, आप देख सकते हैं, गाय में दूध का पीला रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना है। बीजों को अच्छी तरह परिचित कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे और शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है, समझ गए। हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु बहुत ही उपयोगी है। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? तो केल्विन होता है, केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो एक MU जिसका शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है, परमाणिक द्रव्यमान इकाई, ठीक है, किसके समतुल्य है? तो याद रखिए, 1.675 × 10⁻⁴ g। चलिएगा, यहाँ पे देखेंगे, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि अस्थायित्व जो होता है में वृद्धि हो सके, मतलब चढ़ने में आपको आराम से हो सके, झुक जाएगा तो चढ़ना आसानी होता है। आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एक क्रिकेटर खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचता है, मतलब चोट लगने से बचता है, पीछे करता है, तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत माना जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे का दाब क्या होगा? तो याद रखिए, कम हो जाएगा, हमेशा याद रखेंगे।
तीन प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो नीला, हरा और लाल होते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो बहुत नरम होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिए 4 से 5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता? तो सेलुलोज नहीं होता है, याद रखिएगा। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सह संबंध जो है क्या है? तो -v2 बराबर u2 u स्क्वायर है, याद रखेंगे, +2as होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो तरंग के रूप में करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, याद रखेंगे, तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा जो होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, 0 डिग्री जो है सेल्सियस लिख रहे हैं, तापमान की 1 किग्रा है, बर्फ का 10 डिग्री, 10 डिग्री पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है, तो परिणाम जो है, परिणामी जो होता है तापमान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। देखिए बर्फ जो है 0 डिग्री है, ठीक है, और 10 डिग्री पानी के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है, तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो नीला रंग, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि गला जब तक ठीक ना हो जाए छोटे छोटे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बिहार एसएससी बीपीएससी का शासन ग्रह चल रहा है, 2007 का पेपर चल रहा है, जिसमें ये पेपर हुआ था DRDA, ठीक है। तो चलिए फास्ट चलते हैं और क्वेश्चन को जो है वेस्ट नहीं करते। आगे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेटर टीम के कोच बुलमर बुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, कानपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था 2007 में, ये ध्यान रखिएगा, 2007 का चल रहा है। आगे है कि खालसा पंथ के संस्थापक या स्थापना किसने किया था, या कौन करने वाले थे, कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है। आगे सवाल है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती आश्रम से किए थे, और दांडी यात्रा को साबरमती आंदोलन भी कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह का नाम आता है। और एक और आते हैं जो कि आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में, मैंने MCQ में करवाया है, बताइएगा जरूर। आगे सवाल बनता है कि कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी से होकर गुजरती है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसी तरह अभी जो वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है, उसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं कि बाजार नियंत्रण करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है, याद रखिएगा, खिलजी वंश का था, याद रखेंगे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था, मतलब कलेक्टर पद जो है कब स्थापित किया गया, कब आया? यानी कि 1772 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा किससे पराजित हुआ था? तो अफगान से पराजित हो गया था 1761 में। तृतीय जो है क्या हुआ था? पानीपत हुआ था, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो याद रखिए, लॉर्ड विलियम बैंकिंग का नाम आता है, उन्होंने रोक लगाई थी, मतलब ये अंग्रेज जो था गवर्नर जनरल, ये लगाया था। आगे सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, ये हमेशा याद रखिएगा, JK में है। आगे सवाल है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर कहिए या अध्यक्ष कहिए, करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला जो है आक्रमणकारी था, उसका नाम आता है चेर कैक्सिस कहते हैं, याद क्या, कैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है, मतलब बिहार कितने सीमाओं से घिरा हुआ है? तो 3 सीमाओं से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य का पूछ रहा है, याद रखेंगे, कौन कौन बता सकते हैं? एक मैं हिंट देता हूँ, उत्तर प्रदेश, दूसरा और तीसरा बताइएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा
कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करेगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो हम हमेशा पशुपति का पूजा करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी का है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कि राज्यसभा, जो राज्यसभा है, कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 जो है करता है, अब वर्तमान में हट गया है, दो जो अंग्रेज जो होते थे अंग्रेज, उसे हटा दिया गया है, याद रखिएगा, अभी हटा दिया गया है, जो कि ये 2007 तक लागू था, यहाँ तक कि आपको 2012-13 सब में मिलेगा, लेकिन अब जो है हटा दिया गया है मोदी जी की सरकार में। आगे सवाल है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्ग रोहन किस तिथि को हुआ था? मतलब तो स्वर्गवास हो गया था, बताइएगा कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का, तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1858, याद रखिएगा, मतलब 1858 में, याद रखिए इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे सवाल है कि मुगल प्रशासन में किसे मुहास्तिब, ठीक है, मु हाँ याद किया, तिशब कहते हैं, सॉरी मुहा तिशब कहते हैं, कहा जाता है, तो जन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, भूदान यज्ञ किससे संबंधित है? तो विनोबा भावा से संबंधित है, भूदान यज्ञ अगर पूछते किससे संबंधित है, तो विनोबा भावा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, हमेशा याद रखिएगा प्रथम उपदेश, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता का नाम आता है, क्योंकि त्रिस्तरीय दिए थे। अब कब हुआ था? 73 में संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, मतलब 1992, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो आप जानते हैं अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, बिंदुसार का पुत्र है, याद रखिएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये भी ध्यान रखिएगा। जल्द आने वाला है आपको जो है पीडीएफ के रूप में आने वाला है, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, अभी लिंक नहीं दिया जा रहा था इसलिए, क्योंकि लिंक में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, लिंक भी दे दिया जाएगा आपको, वो पीडीएफ जो है रहेगा, बुक से ही रहेगा, लेकिन उसे मतलब एडिटिंग करके एमएक्स वर्ड के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको आसानी से पढ़ने में हो, क्योंकि फोटो खींच कर पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा बुक का जो है अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एमएक्स वर्ड पे एडिटिंग करके पीडीएफ बनाकर आपको शेयर कर दूंगा, या उसी से पढ़ाऊंगा, बुक का ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो मंसूरी में, याद रखिएगा। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, दक्षिण में पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट बताना है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे है कि कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सुंदर लाल बहादुरी का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की बात करते हैं, तो मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो शुंग वंश आया है, याद रखिए, मौर्य से पहले कौन वंश था? नंद वंश था, उसके बाद मौर्य खत्म हुआ तो शुंग वंश आया, याद रखिएगा। एशियाई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। किसके किसकी कमी से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किसकी कमी से जीरो पैथलमिया रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है, भौगोलिक विस्तार के दृष्टि कौन से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो याद रखिएगा इंटरनेट जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सार संग्रह हिंदी में है, तो सार संग्रह हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आने वाला है, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहेगा तभी, क्योंकि कुछ तो मेहनत का फल मुझे भी मिलना चाहिए। आगे सवाल है कि 1 मेगावाट में कितने वाट्स होते हैं? तो याद किया 1024 वाट स्क्वायर में होते हैं, याद रखिएगा मेगावाट है।
है, मतलब कहने का मतलब है 10^24 × 10^24, याद रखिएगा, ऐसे मेगावाट पूछ रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी है, प्रकाश वर्ष दूरी है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य से आती हुई परावैगनी किरणें किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, तो O2 करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा O2 करता है। आगे सवाल है कि किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी, तो न्यूटन ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, घाव के शीघ्र भरने से कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो विटामिन सी करता है, हमेशा याद रखिएगा, इसे विटामिन सी होगा, याद रखिएगा, जिसमें बेस्ट आंवला को माना जाता है, विटामिन सी में ऐसे खट्टी चीज को माना जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो जल उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखने की चीजें हैं। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है, तो ध्वनि के वेग से अधिक होगा, याद रखिएगा। सुपरसोनिक जो जेट होता है, कि जेट मतलब जहाज के बोला जाता है, याद रखिएगा, कि क्या चाल होती है, तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो TCS, ये 2007 के हिसाब से है, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर अपडेट रखना होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल पूछता है कि अम्ल राज में क्या क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, अम्ल राज में क्या होगा, सॉरी HCl एवं, याद रखेंगे, HNO3 होगा, याद रखिएगा, चलेंगे, याद रखेंगे। एसिड का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, एक वर्ड न्यून, याद रखिएगा, डिफेंसिस सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं, याद रखिए, एड्स का पूरा नाम है, याद रखेंगे, ठीक है, इन्यून कहते हैं उसे। आगे चलेंगे, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन, 17 बोल रहा हूँ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, हटा दिया गया है, याद रखिएगा, कहाँ से, तो मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, इसे वैधानिक मान दिया गया है, मतलब तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के रूप में दिया गया है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसे बोल बोल के याद करेगा तो ज्यादा आपको याद हो जाएगा। आगे सवाल बनता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आप जानते हैं 32वां संविधान संशोधन को कहा गया है, 32वां जो मौलिक अधिकार में है, 32वां उसे कहा गया है, याद रखिएगा। और संविधान की आत्मा जो है, याद रखिएगा, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में जोड़ा गया है, ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो याद रखिए 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, या राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बने, याद रखिएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे सवाल बनता है, अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है, तो 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है, 2007 है तो 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है, अब बताइएगा अब तक में कितना हो गया, 7 से जोड़ते चल जाइए, ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, लोकसभा का सचिवालय की सीधा देख रेख में कार्य कौन करता है, तो संसदीय मामले के मंत्री लोग करेंगे और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने ही लाए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऐसे बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो जान लीजिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अगर नहीं हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सब काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। भारत लोक सेवा को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 311 जो है प्रदान करता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 311। पंचायती राज्य का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 40। जैसे ही पंचायती राज की बात होगी, चर्चा की बात होगी, याद रखिएगा, उल्लेख की बात होगी, वर्णन की बात होगी, तो हम आर्टिकल 40 को याद रखेंगे। ऐसे आपको मैंने बता दिया था, पंचायती राज तृतीय स्तरीय पर बल मंत्रालय नेता का नाम आता है, जो कि पूरे भारत में लागू हो चुका है, और याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत हो गया है,
बंगाल में चार स्तरीय भी चल रहा है, याद रखिएगा, उसमें थोड़ा ज्यादा चलता है। आगे सवाल बनता है कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो चैडविक हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन धातु है, तो चांदी है। कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है, तो रेनिन करता है, याद रखिएगा। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है, तो रोन जेन का नाम आता है। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 क्रोमोसोम कहिए या गुणसूत्र कहिए। तो चलिए 2007 का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये बिहार एसएससी सार संग्रह का चल रहा है, जो कि थंब लाइन में आपको दे दिया जाता है। आपको अगर विश्वास ना हो, जो मैंने वीडियो नया डाला है बुक टेस्ट का, आप बुक लेके खरीद के आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही रहेगा जो आपको दिया जा रहा है, और एग्जाम में वही आएगा जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, यही आप। चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी का जो सार संग्रह का बचा हुआ था, जो 2007 का, वो भी करवा देता हूँ। और एनसीईआरटी का तो सार संग्रह चल ही रहा है, देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें 2007 का जो बिहार एसएससी का बच रहा है उसको चलते हैं, फिर 2008 2009 ऐसे ही खत्म कर देंगे। तो फास्ट चलते हैं और देखते चलते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो आप जानते हैं नव नालंदा कहिए या नालंदा विहार कहिए, तो याद रखिएगा वो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए जाना जाता है, नव नालंदा विहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो चतुर्थ पीढ़ी का है, याद रखिएगा चतुर्थ पीढ़ी के समय का ही है अभी तक बौद्ध वृक्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, तो राजगीर में आप जो जाइएगा ना तो गर्म जल मिलेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है 2007 में, सोचिए बिहार से कितना पूछा है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो गया में है, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे बनता है कि किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया, तो राजगीर में ही विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया है, राजगीर घूमिएगा तो समझ में आ जाएगा, जरूर से जरूर जाए राजगीर। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो आप जानते हैं जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब बोध गया में ही, बोध गया में ही महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जो कि जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी, याद रखिएगा वैशाली में था। आगे चलेंगे, बिहार में ही है। आगे चलेंगे, किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है, तो देव में है, याद रखिए। सूर्य मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा देव में है, याद रखिए। सब बिहार से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो याद रखिए छठ पूजा है, याद रखिए। 2007 का ये पेपर है, बिहार एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, तो मधुबनी पेंटिंग फेमस है, आप जानते हैं। चलेंगे आगे, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं हाथी के लिए जाना जाता है सिमलीपाल, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे है नंदन कानन अभयारण्य किस जिले में किस लिए प्रसिद्ध है, तो नंदन कानन सफेद चीते के लिए प्रसिद्ध है, आप अगर जाइएगा नंदन कानन घूमने तो सफेद चीते के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, कौन थी, तो याद रखिए बिशेंद्री पाल का नाम आता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मतलब हिमालय शिखर की बात हो रही है, ठीक है, बिशेंद्री पाल का नाम आता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे था, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नौसेना का पूर्व कमान कहाँ है, तो याद रखिए विशाखापत्तनम में है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी देशों के साथ लगती है, तो तीन देशों के साथ लगता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल है, उड़ीसा की पूर्वी राजधानी कहाँ थी, तो पूर्व राजधानी कटक था, अब तो भाई भुवनेश्वर हो गया। आगे चलेंगे, 2007 का ये चल रहा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में ही है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। आगे चलेंगे, पूर्व राजधानी है, अभी जस्ट पढ़े हैं। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। अगर आपसे पूछे रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, तो वाराणसी, वाराणसी मतलब यूपी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो है किस मामले की पैदावार होती है, तो हल्दी की। सोचिए 2007 में बिहार उड़ीसा ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में। एनसीईआरटी का अगर बुक देख रहे होंगे ना, तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझ जाइए वो, अगर पढ़ लिए ना तो आपको ऑनलाइनर की कमी नहीं होगी, आपकी तैयारी बेस्ट रहेगा। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया, तो याद रखिए अकबर ने बसाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बनाया, तो याद रखिएगा श्रीशैलम परियोजना की बात होगी तो कृष्णा नदी को याद रखिएगा। आगे चलेंगे, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, सबसे ज्यादा दिनों में, सबसे दिन मतलब सबसे ज्यादा दिन जो रहने वाले अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाई है, विश्व रिकॉर्ड, वो सुनीता विलियम्स बनाई थी, याद रखिएगा, मतलब सुनीता विलियम्स बनाई है। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में है, ये भी ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सुदर्शन पटनायक है, याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक है, याद रखिएगा, बालू की भव्य आकृति के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है, तो 2.43% है, याद रखिएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा नदी के किनारे है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर जलीय ओ ये क्वेश्चन छूट गया, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी अभी जस्ट है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। बिहार का बताइएगा पुराना नाम क्या है, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैं बता चुका हूँ। शवाना घास जो है आप जानते हैं, शवाना जो घास होता है, मैदान कहाँ है, तो अफ्रीका में। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। ये सब इजी क्वेश्चन बहुत पूछा था 2007 में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया था। भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। भारत रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो याद रखिए 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो सारनाथ है, और सारनाथ में ही बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उसी समय धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल, उपसभापति कहते हैं ऐसे पदेन सभापति, मतलब उपसभापति, तो याद रखिएगा वो होते हैं। सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के होते हैं उपराष्ट्रपति। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है, तो दक्षिण कोरिया की है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, कार्ल मार्क्स कौन थे, तो जर्मन चिंतक थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है, तो याद रखिएगा बिहार जो है स्थल रुद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा मतलब शुगर वॉल कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा ये लिखा गया है, या पुरुष द्वारा लिखे गए हैं, बता सकते हैं, तो अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को कि भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। वायुमंडल में सर्वाधिक जो है कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है, आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे है, अश्रव तरंगे कौन सी है, तो अश्रव तरंगे 20,000 हर्ट्ज से नीचे होता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, तो तापांतर है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, ऑक्सीजन की खोज करने वाले पिस्टल हैं, याद रखिए ऑक्सीजन की खोज किए हैं वही पिस्टल हैं, याद रखिए। नाम है, भाफ इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स बॉट ने किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम
भारतीय कौन है? तो सीवी रमन है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो बेंगलोर में है। आगे चलेंगे, हवाई जहाज का आविष्कार कौन मतलब कौन किए थे या कौन थे? तो राइट्स ब्रदर याद क्या नाम ही है। आगे चलेंगे, हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो 76 वर्ष पुनः दिखाई देता है। ग्रीन हाउस जो है किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी बुखार टाइफाइड जो है में शरीर का मुख्य स्रोत मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत है, याद रखिए, प्रभावित होता है टाइफाइड में, याद रखिएगा, मियादी बुखार उसे कहते हैं। आगे चलेंगे, मानव के शरीर के प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 72 70 बार या 72 बार होता है, तो 72 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको पता है, प्रीवियस ईयर 2007 का क्वेश्चन है, और जितना भी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ वो भी 2007 का ज्यादा बनाया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी क्रोन प्रैक्टिस सेट में, मैंने कोई नहीं क्रोन प्रैक्टिस सेट अगर लेते हैं तो उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरा PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा हर चीज का। तो जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं ये ध्यान।